हेलो एवरीवन, एनएलयू दिल्ली जो है आईलेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है। कल जो है आईलेट 24 का पेपर है, दैट इज 10th ऑफ दिसंबर को आईलेट 24 एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाने वाली है। अब एनएलयू दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है रिलीज किए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है एनएलयू दिल्ली ने सारे कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं। प्लस गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि एडमिट कार्ड जो है ये डाउनलोड करने का टाइम पीरियड उन्होंने दे के रखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस वीडियो में ये है कि गाइस, एडमिट कार्ड जो है आप सिर्फ और सिर्फ आज रात तक ही डाउनलोड कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आप आईलेट 24 का जो एडमिट कार्ड है सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने आईलेट 24 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है गाइस, तो प्लीज उसे फटाफट कर लो ताकि कल आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, आईलेट एग्जामिनेशन जो है इसका टाइमिंग है 11 से लेकर के 1 बजे तक, और ये पेन पेपर मोड में होने वाली है, मतलब आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है। तो स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है कि किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन या ब्लूटूथ जो है वगैरह, आप कैरी नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में या रूम में। सिर्फ एनालॉग वॉचेस अलाउ किए जाएंगे गाइस। आपको लगेगा वॉच टाइम देखने के लिए कि कितने सेक्शन जो है आपके सॉल्व हुए हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो वॉच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो बट सिर्फ एनालॉग वॉचेस रिक्वायर्ड है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो है, आप कौन सी पेन कैरी करोगे गाइस, सिर्फ ब्लू या फिर तो ब्लैक, वो भी बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जेल पेन या इंक पेन कैरी मत करना, कोई और कलर कैरी मत करना, सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन ही अलाउड है। आपको आपका एडमिट कार्ड जो है वो कैरी करना है, एंड कोई भी एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है या तो रिसेंट स्कूल कार्ड आईडी हो सकता है एटसेट्रा। अगर गाइस आपका आधार कार्ड में बचपन का फोटो है, जब आप बहुत छोटे थे तब आधार कार्ड बनवाया था, अब तक उसे अपडेट नहीं किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अपनी रिसेंट स्कूल आईडी कार्ड भी कैरी कर सकते हो, ये भी अलाउड है। एंड आपका बॉटल जो है, वाटर बॉटल, ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कितने बजे पहुंचना है गाइस, आपका पेपर जो है वो 11 से लेके 1 बजे तक है, तो स्ट्रिक्टली आपको बोला गया है कि एग्जाम सेंटर पे कम से कम आपको 1 घंटे जो है वो पहले पहुंच जाना है। और वहां पे जाके क्या आपको खड़े रहना है, नहीं, आपको आपकी सिटिंग प्लेस ढूंढनी होगी। वहां पे नीचे जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सेंटर पे जाओगे, नीचे एक सिटिंग प्लान डिस्प्ले होगा ताकि बाद में गर्दी ना हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो आपके पर्टिकुलर रूम में जाने के लिए। सो गाइज, प्लीज एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुंच जाना ताकि आप आराम से अपना सीट नंबर, एडमिट कार्ड नंबर जो है चेक कर पाओ कि आपको कौन सा क्लासरूम और कौन सी बेंच अलोकेट करी गई है। एंड बिल्कुल भी शेयरिंग अलाउड नहीं है, पेन पेंसिल का कुछ भी। तो अपनी थिंग्स पहले से ही कैरी करना, आइडियली 2 पेन कैरी करना कि अगर गलती से एक बंद हो जाए या कहीं से प्रॉपरली नहीं चल रही है, आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है वो रेडी होगा। आपको किसी से मांगने का, शेयरिंग परमिशन जो है वो अलाउड नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, पेंसिल भी आपको खुद का ही कैरी करना है, शार्पनर कैरी कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अब जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में बैठ जाओगे, वहां पे पहुंच जाओगे, आपको क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR रिस्पॉन्स शीट जो है मिलेगा। अब ये जो है एक प्लास्टिक कवर में बंद होके आएगा, बट प्लास्टिक कवर में से आपको क्लियरली क्वेश्चन बुकलेट पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, OMR रिस्पॉन्स शीट पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो देखने को मिले, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। एंड अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी डिटेल कैसे फिल करनी है और कैसे जो है आपको सिग्नेचर करना है, या कुछ भी डाउट है, प्लीज अपने इन्विजिलेटर से पूछिएगा, किसी और से मत पूछना। एंड आप अपना जो प्लास्टिक पैकेट रहेगा जिसमें आपको OMR शीट एंड क्वेश्चन बुकलेट दोनों एक साथ आएंगी, वो आप एग्जैक्टली जो है 11 बजे ओपन कर सकते हो। 1 o'clock को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आपको आपका OMR रिस्पॉन्स शीट जो है ओरिजिनल वाला जो है यहाँ पे दे देना है अपने इन्विजिलेटर को। अगर आप गलती से भी बाहर कैरी किए, वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, इसीलिए प्लीज गाइस, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आराम से अपने रिस्पॉन्स शीट, सारी चीजें चेक करके 1 बजे के बाद आपको आपके इन्विजिलेटर को जो है वो दे देना है। सो बी एड केयर विशेज यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द आईलेट एग्जामिनेशन।